हाँ सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है, ये मेरा 6 मंथ्स एक्सपीरियंस इन कनाडा है, कि मुझे 6 महीने हो गए कनाडा में। और आप देख ही सकते हो, मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी जब से मैं लैंड हुआ हूँ कनाडा में। तो मैंने स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे कि आपको एक वीडियो चाहिए कि दो वीडियो चाहिए हफ्ते में। तो आपने रिप्लाई किया था कि हफ्ते में मुझे प्रियांशु दो वीडियोस चाहिए। तो उसके लिए मुझे कॉलेज जल्दी आना पड़ेगा और ऐसी ही वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो फिर मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा और हफ्ते में आपको दो वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ। आप एक मैसेज करो, आपको रिप्लाई 4 घंटे के अंदर आ जाएगा जब मैं जगह हूँगा, ठीक है? जब मैं ऑनलाइन हूँगा तो आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो गाइस, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो और मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो फिलहाल ये बातें छोड़ो, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 6 महीने का एक्सपीरियंस क्या है मेरी कनाडा में, मुझे कितनी अर्निंग होगी, मैं मेरी जॉब लगी कि नहीं लगी है, अकोमोडेशन में प्रॉब्लम आई थी कि नहीं आई थी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले दिन से। पहले दिन जब मैं लैंड हुआ था तो फिर मेरी जो फ्रेंड है दिलप्रीत, मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। शी इज़ वेरी प्रीशियस टू मी, बहुत अच्छी फ्रेंड है। उसने मुझे पिकअप किया, कार में पिकअप किया और मेरी हेल्प की। अमरवीर को आपने जानती हो, अमरवीर को अगर नहीं देखा मेरी वीडियो में, मेरा पहला व्लॉग जो है माई फर्स्ट डे इन कैनेडा, उसमें अमरवीर भी है, दिलप्रीत भी है और उनके रूममेट्स भी हैं, ठीक है? तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि पहले दिन उन्होंने मुझे पिकअप किया फ्रॉम टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से। तो मैं वहाँ से स्कारब्रो गया। स्कारब्रो में मैंने 15 डेज स्पेंड किए थे। अपने 15 डेज स्पेंड करने के बाद क्या हुआ, 15 डेज मैंने क्यों स्पेंड किए, मुझे क्यों टाइम लगा, क्योंकि मुझे किचनर में अप डाउन करना पड़ रहा था अकोमोडेशन के लिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे यही आई थी कि अकोमोडेशन का कैसे करूँ। पहले तो मैं अपना क्या कहा, चलो सबसे पहले सिम नंबर ले लेता हूँ, फिर सिम ले लेता हूँ। सिम और सिम नंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि सिम नंबर से हमें जॉब मिलती है और सिम से हमारी एक आइडेंटिटी बनती है एक मोबाइल नंबर से, कि हाँ हम किसी को कॉल कर सकते हैं कनाडा में। अगर हम इंडिया सिम चलाएंगे तो व्हाट्सएप कॉल ही करनी पड़ेगी, और व्हाट्सएप कॉल तभी करेंगे जब इंटरनेट होगा, और इंटरनेट के लिए हमें वाईफाई सर्च करना पड़ेगा, इसलिए तो सिम लिया था। उसके बाद क्या हुआ था, 15 दिन लगे अकोमोडेशन ढूँढने में। क्यों लगे हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे किचन में जो है अकोमोडेशन का ये हाल है कि अगर सिंगल पर्सन अगर कोई लेता है तो उसको रिस्क ये होता है, क्या पता जो दिखा रहे हैं वो कुछ और ही निकले। तो मेरा एक एक्सपीरियंस ये था कि मैं गया था पीयूष के साथ, मेरा रूममेट है, तो एक रूम हमने देखा था जो अच्छा नहीं था, पर उसको फ़ोटोज़ में एडिट करके अच्छा बनाया गया था। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप अकोमोडेशन देखो, देखो आँखों से देखो, ना कि पिक्चर्स में देखो, देखो जाओ और अकोमोडेशन सेलेक्ट करो और पेमेंट करो। कनाडा आके अकोमोडेशन लेना, यहाँ इंडिया में बैठे बैठे बुक नहीं होती। और जिनका कोई रिलेटिव नहीं है वो एयरबीएनबी में रह सकते हैं, और यही है, यही तो मेरी टिप रहेगी, बिकॉज और आपके पास कोई चारा भी नहीं है, ठीक है? और अकोमोडेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप का, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेनली प्रॉपर ये होता है, प्रॉब्लम ये आती है, जो होते भी नहीं है ना, आना नहीं चाहते वो भी ऐड हो जाते ग्रुप में और अपनी प्रोमोशनल चीज़ें डालते रहते हैं। अकोमोडेशन के बाद आया था कॉलेज रजिस्ट्रेशन कराया। कॉलेज रजिस्ट्रेशन मैंने वेलकम सेंटर पे कराया, तो मुझे ये वन कार्ड मिला। मैंने वन कार्ड की वीडियो जरूर डाली, वो ज़रूर देख लेना। तो उसके बाद कॉलेज रजिस्ट्रेशन के बाद मैं गया था अपने अकोमोडेशन के अंदर लीज साइन करने। लीज साइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लीज पे रह रहे हो आपको ये बेनिफिट होता है, तो उसका टैक्स आपको वापस आते ही आता है, ठीक है? लीज से ये होता है, एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, मेरी फ्रेंड है, उसने 4 मंथ्स की लीज़ कराई थी, तो उसने क्या किया, 4 मंथ्स ख़त्म होने के बाद उसको घर छोड़ना पड़ा इमीडिएटली। उसके बाद उसे क्या प्रॉब्लम आई, उसने 10 दिन कार में बिताए। तो फिर मैं नहीं चाहता कि आप कार में बिताओ अपने दिन, जहाँ लीज़ कराओ आप मिनिमम 1 साल की कराओ, ताकि आप 1 साल अपना सारा सेटल हो जाए। अब मुझे 6 महीने हो गए, अब 6 महीने और रह गए, मेरी मर्ज़ी होगी, मैं एक्सटेंड करानी होगी लीज़, मैं एक्सटेंड करा लूँगा, ठीक है?
अकोमोडेशन के बाद आती है बारी, हम पांच लोग हैं, हम पांच ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, तो हम इंडिया से ही इकट्ठे आए थे, सारे न्यू पर्सन थे। कई बार मुझे, मैं सजेस्ट नहीं करता ओल्ड पीपल के साथ रहना, अगर वो नोन है तो रह लो, अदरवाइज जो वर्क परमिट पे होते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा सबकी, मैं बस जनरली बता रहा हूँ कि वो पता नहीं क्यों इनसिक्योर फील करते हैं न्यू लोगों से। अब मुझे कोई पूछता है कि जॉब कहाँ से मिलती है, मैं ज़रूर बता रहा, तो भाई मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ये एजेंसी है, जब मैं आया था मेरी किसी ने हेल्प नहीं की थी, पता नहीं मतलब क्यों ऐसा करते हैं लोग, मुझे ये नहीं समझ आता, बट लेट इट बी, हमें अपने रास्ते खुद चुनने पड़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं, मैं आपको प्रॉब्लम वो आने नहीं दूंगा। जो हेल्प चाहिए आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, जितनी मैं हेल्प करूंगा उतनी कर सकता हूँ, ठीक है। अकोमोडेशन के बाद आया मेरा, लीज साइन की, लीज साइन करने के बाद ओरिएंटेशन अटेंड की, ओरिएंटेशन पे वीडियोस बनाई, फिर ग्रोसरी का क्या है, ग्रोसरी यहाँ पे फ्रेशको से चीप मिल जाती है, ग्रोसरी फ्रेशको से, लाइक मेरा ब्रेकफास्ट में मैं वही खाता हूँ, दलिया वगैरह, दलिया हो गया, ऑमलेट हो गया, ब्रेड ऑमलेट हो गया। हमने ड्यूटी लगाई हुई है, दाल चावल, दाल कोई और बनाएगा, चावल कोई और बनाएगा, खाना कोई और बनाएगा, बर्तन कोई और मांजेगा, साफ़ सफाई कोई और करेगा, तो इससे कोलैबोरेशन से बढ़िया रहता है। फिर मैंने यहाँ रिक्रिएशन सेंटर पीछे, वहाँ पे मैंने जिम ज्वाइन किया, जिम लगाया, एक महीने जिम लगाया। उसके बाद क्या हुआ, मेरी जब जॉब लगी शिफ्ट 8-8 घंटे की, फैक्ट्री शिफ्ट लगी, तो मेरी बॉडी ने जवाब दे दिया कि भाई अब तू शिफ्ट ही लगा ले या जिम लगा ले, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई परमानेंट जॉब मिलती है 4 आवर्स पर डे की, वो भी बेटर है, क्यों, तब आप जिम भी लगा सकते हो। मेरा कॉलेज का रूटीन बहुत बढ़िया है, मेरा कॉलेज का रूटीन है 4 बजे से लेके 9 बजे तक, ठीक है, शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक। तो क्यों बढ़िया है, क्योंकि जब ठंड पड़ेगी, मेरे जो 2 रूममेट्स हैं उनका जो कॉलेज है वो सुबह सुबह होता है, और उनके पास टाइम भी नहीं होता, मैं चाहे सुबह उठ सकता हूँ। मैं 2 शिफ्ट लगाता हूँ, एक मंडे लगाता हूँ, एक फ्राइडे लगाता हूँ। यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है प्रोडिजी में, तो फिर आपको आराम से वहाँ पे शिफ्टें मिल जाती हैं। तो मैं 16 आवर्स ही करता हूँ काम, क्योंकि 16 आवर्स इसलिए करता हूँ, अगर मैं 3 शिफ्टें लगाऊंगा 24 आवर्स हो जाएंगे, तो 20 से अबव नहीं कर सकता। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा, यही 1-2 साल है, निकाल लो, जब वर्क परमिट आएगा तो आराम से 40 आवर्स काम करना। मुझे पता है कई स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान में होते हैं कि यार फीस निकालनी है 3rd सेम की, मैं समझ सकता हूँ 3rd सेम की फ़ीस निकालनी है। इसके पे मैं वीडियो ला रहा हूँ सिर्फ नए लोगों के लिए, क्योंकि जो नए कैनेडा में आ रहे हैं उनके पास पूरी 10,000 GIC भी होगी, और मैंने सजेशन भी दिया है कितने रुपीस लेके आने हैं, ठीक है, आपको इंडिया से। इससे यही फ़ायदा होगा कि आप जैसे जैसे मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, आप अपनी 3rd सेम की फ़ीस आराम से निकाल लोगे। तो फिर मेरी यही सजेशन रहेगी कि जब भी आप आओ कनाडा, ये वीडियो ज़रूर देखना मेरे 6 मंथ्स एक्सपीरियंस की, और लोगों से शेयर करना कि मेरा 6 मंथ्स में क्या हुआ। बाकी जो कहते हैं फ्रॉड है, मेरे साथ फॉर्चुनेटली कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है, और मैं बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, कैजुअल लाइफ दे रहा हूँ, अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। और 6 मंथ्स में यही एक्सपीरियंस था, मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स थे वो मेरे 4 CGPA में से आए हैं, 3.5 CGPA, और यहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इजी है, पढ़ लेते हैं। असाइनमेंट 60-70% की होती है, और फाइनल एग्ज़ाम 20% का होता है, 20% का प्रोजेक्ट होता है। अगर आप फाइनल एग्ज़ाम ना भी दो, असाइनमेंट टाइम पे करो और प्रोजेक्ट टाइम पे करो, तब भी आप 70% मार्क्स अचीव कर सकते हो। यहाँ की लाइफ टफ है, लोगों को टफ लगती है, क्योंकि कई लोग बहुत काम करते हैं, मैं नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है यही वर्क परमिट एक बार आ जाए तो आराम से फीस, मतलब वर्क परमिट आ जाए तो आराम से जो पैसे लगाए हैं वो वापस आ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं 40 आवर्स कोई अच्छी से जॉब, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, जहाँ पे मेरा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स है, ओके, अगर मैं पढ़ाई पे ध्यान दे दूँ, अब मैं अच्छी जगह नौकरी पा लूँ, हैं तो मेरा बेसिक पे रेट बताऊँ कितना होगा, $25 per hour वेब डेवलपर का, ठीक है, $25 per hour। एक दूसरा है जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो $14 per hour मिलता है, और मुझे मिलेगा $25 per hour 40 आवर्स के लिए, ठीक है। तो क्या बेटर है, अपना फ्यूचर सेटल करना कि अभी स्ट्रगल करके फीस निकाल के मस्टैंग चैलेंजर लेके बड़े बड़े फ़ोन लेके शो ऑफ करना, ये मेरा जवाब यही है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग कार्स लेते हैं, मैं उन्हें बुरा नहीं कहना चाहता, मैं बस यही बता रहा हूँ कि वो कार्स लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है, वो कैश पे नहीं लेते, और वो शो करते हैं कि हमने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली। गाड़ी तो कोई भी ले सकता है, गाड़ी तो मैं कल भी ले सकता हूँ, लाइसेंस होना चाहिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी कोई भी अफोर्ड कर सकता है, बस उसको संभालना और उसकी केयर करना और उससे अर्निंग निकालना बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि कार बाय करने से क्या होता है कि अगर आप कार बाय करते हो, यहाँ पे इंश्योरेंस वो है जो है वो $385 है,
$400 की इंश्योरेंस हो जाती है और $300 की किस्त हो जाए तो $700-$900 आपका खर्चा आ जाएगा। तो फिर यही मैं कह रहा हूँ, $900 का अगर आपका खर्चा आएगा तो इसका फ़ायदा नहीं है। कि अगर आप $900 को पहले आप कमाओगे गाड़ी से, हैं $1500 भी कमा रहे हो तब भी आपके पास $700 बचता है, क्या फ़ायदा है? मुझे तो एक नंबर की बेवकूफ़ी लगती है। जो कार बाय करते हैं, जिनकी परमानेंट जॉब हो ना, वही कार बाय करें, अदरवाइज ना करो बाय। ये मेरा एक्सपीरियंस है, 6 मंथ्स का यही एक्सपीरियंस है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो फिर मैं आपको, मेरा यही ड्यूटी थी आपको बताना 6 मंथ्स में। बाकी आप कमेंट में बता देना, अगला Q&A रखेंगे तो उसमें मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और हफ्ते में 2 वीडियोस तो आएंगी, तो आज ही मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना लूं और हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करूं। बिकॉज आपको पता है कनाडा में टाइम इज़ वेरी मैंडेटरी, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर मैं आपको टाइम इसलिए देता हूँ बिकॉज आई लव यू ऑल, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, मेरे लिए, मेरे आपके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और आप हमेशा वीडियोस को लाइक करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को बूम कर देना, दिखाना है कि प्रियांशु ब्लॉग्स नाम का भी चैनल है किचनर एरिया में, कॉनेस्टोगा कॉलेज में। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छी लगी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच माय फैमिली, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।